द शिफ्ट फिलपक स्टूडेंट्स हमने लास्ट मॉड्यूल में फिलिप्स कर्व पर बात स्टार्ट की थी तो आज हम उस पर मजीद बात करेंगे सो ऑगमेंटेड फ़िलप्स कर्व के मुताबिक क्या हमने देखा है कि रिलेशनशिप किस में है अनटिसपेटेड इन्फ्लेशन और जो सिक्लिकल अनएम्प्लॉमेंट में इसको इस इक्वेशन की मदद से हम समझते हैं लेट मी राइट इट बाय माइनस एक्सपेक्टेड पाए इज इक्वल टू माइनस एच टाइम्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट माइनस तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ कीपिंग दिस एक्सपेक्टेड पाए हम इन्फ्लेशन के लिए दिस इज द एक्चुअल इन्फ्लेशन दिस इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मे यू इज़ द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड म्यू यू बार इज़ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एच इज़ एनी पॉजिटिव नंबर एंड सोन सो इसको अगर हम इस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को दूसरी तरफ अगर मैं लिख दूँ तो ये लेफ्ट साइड पर अब आपके पास क्या बन गया अन एंटिसपेटेड इन्फ्लेशन कैसे कि पाए एक्चुअल इन्फ्लेशन है और एक्सपेक्टेड पाए ई इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा अनएंटिसपेटेड इन्फ्लेशन सो इट डिपेंड्स ऑन वट इट डिपेंड्स ऑन दिस डिफरेंस वट इज़ दिस डिफरेंस म्यू इज़ द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड म्यू बार इज़ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सो so, इन दोनों का डिफरेंस इसे क्या कहेंगे मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट मॉड्यूल में ये है आपके सिकलिकल अनएम्प्लॉयमेंट और एज पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएटिसपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ओके सो इसको रीराइट करने से नीचे जैसे हमने लिखा हुआ तो वैन दिस विल होल्ड वट इज दिस वैन एक्चुअल इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ये कब होगा वैन this एक्चुअल unemployment is इक्वल टू द नेचुरल रेट ऑफ unemployment. जब जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो ये ये दोनों भी अगर आप पहली सिक्वेशन को देखें इफ दिस डिफरेंस इज ज़ीरो इट विल इम्प्लाई दैट दिस इज़ आल्सो ज़ीरो यानी जीरो का मतलब ये कि एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन विल भी सेम और अगर एक्चुअल कम है एक्सपेक्टेड से इस रिलेशनशिप को इस तरह से आप देख लें अगर एक्चुअल काम है तो इसका ये कब होगा ओके okay? एक्चुअल काम है उससे ये उस वक्त होगा जब आपके पास यानी ये डिफरेंस नेगेटिव कब होगा जब आपके पास क्या सूरत हाल होगी जब इस ये ये वाला डिफरेंस आपके पास पॉजिटिव होगा क्यों इस नेगेटिव साइन की वजह से जब एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा होगी और इसी तरह से एक्चुअल उससे ये रिलेशनशिप उस वक्त होल्ड करेगा

और अगमेंटेड फिलप कर्व के मुताबिक फ्रीडमैन की स्टडी के मुताबिक क्या है कि ये रिलेशनशिप जो है उस वक्त होगा फॉर अ गिवन वैल्यूज़ ऑफ़ आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वैल्यू जब गिवन होगी और इसी तरह से नेचुरल रेट ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट की वैल्यू जब गिवन होगी तो ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा अगर इन दोनों में से कोई एक चेंज हो जाएगा तो ये रिलेशनशिप फिर होल्ड नहीं करेगा सो so, चेंजेज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन उसका इम्पेक्ट क्या होगा इस डायग्राम से आप समझ लें ये ये कर्व है ब्लैक वाला जो है इसे हम कह रहे हैं फिलप्स कर्व वन ठीक है ये हमने ड्रा किया है कि जब आपके पास एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थ्री परसेंट है इसका हमें कैसे पता चल रहा है पॉइंट ए एक्चुअली इसको एक्सप्लेन कर रहा है पॉइंट ए पर क्या है एक्चुअल इन्फ्लेशन थ्री परसेंट है ठीक है लेकिन हम जानते हैं इस थ्योरी के मुताबिक इस अगमटेड फिलपस कर्व के मुताबिक कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल इन्फ्लेशन सेम होंगे तब आपकी सिक्लिकल अन्प्लॉमेंट ज़ीरो होगी ओके okay? सो so अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी थ्री परसेंट होगा तो ये आपके पास सेम होगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होनी चाहिए एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी उतनी ही होनी चाहिए जो नेचर रेट ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट है तो नेचर रेट ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट अगर सिक्स परसेंट है तो इसका मतलब ये है कि थ्री परसेंट जो है ये आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन भी है और आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी है ओके इस पॉइंट से हमें ये बात इस्टेबलिश होगी और इस कर्व से हमें क्या पता चलता है इस कर्व से हमें पता चलता है कि देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप यानी एज लॉन्ग एज ये दो चीज़ें कॉन्सटेंट रहती हैं कौन सी दो चीज़ें आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर कांस्टेंट है तो फिर इसमें इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू दिस नेगेटिवली स्लोप कर्व लेकिन अगर इनमें से कुछ चेंज हो जाता है जैसे यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन चेंज हो जाए कितना चेंज हो जाता है ये रेड कर्व ये शो कर रहा है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो है वो थ्री परसेंट से उसमें नाइन परसेंटेज पॉइंट का इजाफा हो जाता है थ्री परसेंट से वो ट्वेल्व परसेंट हो जाता है अगेन वही लॉजिक कि हम क्यों कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ट्वेंटी परसेंट ट्वेल्व परसेंट हो गया उसी बुनियाद पर क्योंकि ट्वेल्व परसेंट पर आपकी जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल रेट के इक्वल है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की चेंज हो गई है तो जब ये चेंज हो जाएगी तो आपका फिलप्सकर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा सो so, ये ये आपको जैसे इसके आ, पता चल रहा है कि इसमें ये फिलिप्स कर्व टू जो है इसमें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज़ ट्व परसेंट सो क्या बात यहाँ से आपने समझनी है कि जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन चेंज हो जाएगा तो फिलिप्स कर्व शिफ्ट कर जाएगा फिलिप्स कर्व नेगेटिव रिलेशनशिप उस वक्त तक होल्ड करेगा शो करेगा जब तक आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और इसी तरह हम आगे देखेंगे अनइम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट रहते हैं ओके सो फॉर अ गिवन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन द फिलिप्स फिलप्सकर्व शो द ट्रेड ऑफ बिटवीन सिल्क सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द एक्चुअल इन्फ्लेशन द फिलिप्स कर्व इज इस्ट्रॉन्ग सच ये उसी की डिटेल है जो हम बात कर चुके हैं हायर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इम्प्लॉय द हायर फिलिप्सकर्व सो अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर चेंज हो जाता है तो ये किस तरह से फिलप्सकर्व को अफेक्ट करेगा फॉर अ गिवन नेचुरेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द फिलप्सकर्व शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अन एंटीस्पेटेड इन्फ्लेशन अ हायर नेचुर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट द फिलप्सकर्व टू द राइट इंस्टाग्राम से हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि ए पॉइंट पहला आपका जो इन्फ्लेशन हमारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थ्री परसेंट था ओके और उस पर ये ब्लैक वाला आपके पास कर्फ है राइट इस पर ए पॉइंट बता रहा है कि एक्चुअल इन्फ्लेशन थ्री परसेंट है और जो जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी थ्री परसेंट है क्यों कैसे पता चल रहा है इसलिए कि इस पर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो सिक्स परसेंट है एक्चुअल भी लेकिन अगर नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिक्स से सेवन परसेंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा फिर ये कर्व इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि दो में से दो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और नेचर रेट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इसमें हम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं नेचुरल रेट ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट जब इंक्रीज होगा तो ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा और हम पॉइंट सी पर आ जाएंगे सो so, सप्लाई शॉक्स पर हमने बात की थी ठीक है तो सप्लाई शॉक्स जब आते हैं तो उसमें क्या होता है उसमें एक्चुअली सप्लाई शॉक जो हैं वो दोनों को एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को भी चेंज कर देता है और नेचुर रेट ऑफ़ अनएम्प्लॉयमेंट को भी चेंज कर देता है मैंने जो बताया था कि सेवेंटीज़ में ये जो नेगेटिव रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था तो वो एक्चुअली उसमें सप्लाई शॉक से आए थे ऑयल प्राइस में इजाफा हुआ था जिसकी वजह से वो ब्रेक हो गया अ सप्लाई शॉक इन द क्लासिकल मॉडल इंक्रीजिज द नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज इट इंक्रीजेज द मिस मैच बिटवीन फार्मस एंड वर्कर्स हमने पढ़ा था क्लासिकल मॉडल वो क्या कहते हैं जब सप्लाई शॉक आता है तो उसके उसके नतीजे में अनएम्प्लॉमेंट में इजाफा उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या प्रोवाइड की थी कि मिस मैच हो जाता है ओके okay? कि जिस तरह की मिस मैच है जॉब्स में और लोगों की स्किल्थ में फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल प्राइस में इजाफ़ा हो जाता है तो वो इंडस्ट्रीज अब जहाँ पर आयल यूज़ हो रहा है पर ज़ाहिर उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी वहाँ पर एम्प्लॉमेंट कम हो जाएगी और आयल प्रोड्यूसिंग जो प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पर जॉब ज़्यादा हो जाएंगी तो ये एक तरह से मिसमैच पैदा हो जाता है ऐसे सिचुएशन में ये उनकी जस्टिफिकेशन थी वैसे अनएम्प्लॉमेंट की अ सप्लाई शॉक इन द कैजन मॉडल रेड्यूस द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड दस रेड्यूस लेबर डिमैंड एट द फिक्स रियल वेज कैजियन मॉडल में हमने पढ़ा था कि एफिशेंसी वेज मॉडल होता है ठीक है तो वहाँ पर जो अनएम्प्लॉमेंट जब एडवर्स सप्लाई शॉक आएगा तो उससे मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम हो जाएगी और आपका डिमांड का जो भी एफिशिएंसी वेज है उस पर आपकी डिमांड कम हो जाएगी और उसके नतीजे में अनएम्प्लॉमेंट में इजाफा हो जाएगा तो रीजंस डिफरेंट है लेकिन बहरहाल कॉमन पॉइंट ये है कि सप्लाई शॉक जब होगा एडवर्स सप्लाई शॉक तो उसके नतीजे में अनएम्प्लॉमेंट में इजाफा हो जाएगा आउटकम सेम है आल दो उनके पास जस्टिफिकेशन उनकी डिफरेंट हैं सो एन एडवर्स सप्लाई शॉक शिफ्ट सप्लाई कर्व अप एंड टू द राइट अभी हमने देखा था कि फिलिप्स कर्व जो था वो यानी अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन में इजाफा हो जाता है तो भी राइट पर शिफ्ट हो जाता है अगर नेचुर रेट ऑफ अनएम्प्लायमेंट में इजाफा होता है तो भी राइट पर शिफ्ट हो जाता है तो सप्लाई शॉक में दोनों में इजाफा हो रहा है तो इट विल शिफ्ट अप एंड टू द राइट